हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन होंगे थोड़े टिपिकल से टाइप के होंगे इस वीडियो के अंदर। तो यदि आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो अपडेट हैं वो वीडियो की आप तक पहुँच सके। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, जिसका एड्रेस है facebook@SMET2016। इसको भी प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और आज का हम वीडियो डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन 1600 द चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 ईयर्स वॉज गिवन बाय, कि सन 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह चार्टर किसने दिया था कि वह जो ईस्टर्न ट्रेड है उसमें उसकी मोनोपोली होगी 15 सालों तक। तो ये दिया था उस समय क्वीन एलिजाबेथ ने, 31 दिसंबर 1600 को दिया था। इसके तहत क्या था कि जो ईस्टर्न ट्रेड होगा उस पर जो है 15 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। इसके अलावा यदि किसी दूसरी कंपनी का शिप या फिर दूसरी कंपनी जो है ईस्टर्न जो इलाका है उससे ट्रेड करती पाई जाती है, तो उसे इस चार्टर एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो शिप होगी या जो उसका माल होगा वो जो ट्रेड करता है, आधा दे दिया जाएगा क्राउन प्रिंस को और आधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो वो व्यक्ति जो एक्शन परफॉर्म करता है उसके खिलाफ काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चार्टर एक्ट था जो कि दिया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया, तो जो पहली शिप मानी जाती है जो इंडिया पहुंची थी वो थी रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जिसके जो आप कमांडर थे उसका नाम था जेम्स लैनकास्टर, जेम्स लैनकास्टर। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, हु इज़ द मर्चेंट हु विजिटेड इंडिया, मीन्स उस व्यक्ति का नाम क्या था जो इंडिया आए थे, तो उनका नाम था जॉन मिल्डन हेल, जॉन मिल्डन हॉल। ये जो है मर्चेंट थे, एक मर्चेंट एडवेंचरर थे, आप इनको बोल सकते हो कि पहले इंग्लिश थे जो इंडिया में आए थे। 1599 में ये आए थे और लैंड रूट के जरिए आए थे, लैंड रूट के जरिए आए थे। Who were the first European to set up sea trade centers in India? तो निम्नलिखित में से कौन सी पावर है जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो है अपनी ट्रेड सेंटर जो है स्थापित किए थे? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले भारत कौन आया था, कौन आए थे? पुर्तगाली। कैसे कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, आप जानते हैं, भारत पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? ये जो आपका कालीकट पोर्ट है उस पर ये पहुंचा था। तो वहाँ के जो राजा थे उस समय वो कौन थे? उनका नाम था जैमोरी, ठीक है। जैमोरिन से इनकी जो है पूरी वार्तालाप हुई थी। तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले, और ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो इसलिए जो आपका आंसर है इसका वो ऑप्शन ए है, द पोर्तुगीज। और इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वास्को डी गामा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी बार जो है भारत आए थे, तो उसका आंसर है 3। सो टोटल 3 बार जो है वो इंडिया आए थे, ठीक है। 2 बार तो वो आप कह लीजिए कि ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार के जरिए से आए थे, और एक बार जो है उन्हें गवर्नर बनाया गया था इंडिया का पोर्तुगीज़ की तरफ से।
सो जो पहला गवर्नर जो बनाया गया था पोर्तुगीज़ की तरफ से, वो था आपका 1505 में बनाया गया था, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पोर्तुगीज़ के पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसके बाद जो गवर्नर आए थे, बनाए गए थे पोर्तुगीज़ के, उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की। और इन्हें जो है सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर माना जाता है पोर्तुगीज़ की तरफ से, क्योंकि ये रियल फाउंडर थे आप कह सकते हो पोर्तुगीज़ पावर के इंडिया के अंदर। इन्होंने 1510 के अंदर 1510 के अंदर बीजापुरी के रूलर से जो है गोवा को जीता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1510 के अंदर इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। और इसके बाद जो आपके गवर्नर आए थे उनका नाम था नीनो द कुन्हा, ये पोर्टुगीज़ के गवर्नर थे 1529 से लेके 38 तक का जो इनका कार्यकाल था। और इनसे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इन्होंने जो पोर्तुगीज़ की आप कह लीजिए कैपिटल राजधानी थी वो कोचिन से कहाँ शिफ्ट की थी, गोवा। कब की थी, 1530 में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इनके बाद जो आए थे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर थे उनका नाम था मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। ये इम्पोर्टेंट क्यों थे, क्योंकि इनके साथ भारत में जैन धर्म के प्रचारक जो कि फेमस सेंट थे जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, भारत आए थे। ठीक है, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पोर्टुगीज से रिलेटेड। जो इनका जो ट्रेड सेंटर इन्होंने शुरू में इस्टेब्लिश किए थे वो किए थे इन्होंने कालीकट, कोचिन और कन्नौर में। और अगर यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अर्ली कैपिटल कौन सी थी पोर्टुगीज़ की, पुर्तगालियों की, तो उसका आंसर होगा आपका कोचिन। हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वॉयस राय इन इंडिया, मैंने अभी आपको बताया है कि पहले पोर्तुगीज़ वॉयस राय इंडिया में कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इनको एक और आप बोल लीजिए कि एक और फैक्ट है इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि इन्होंने जो है द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी के तहत क्या था कि जो अरेबियन सी है और जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर जो ट्रेड का अधिकार है वो सिर्फ किसको है, पोर्टुगीज़ है, पोर्टुगीज़ पावर को है। ठीक है, ये था ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वॉज एस्टाब्लिश्ड बाई पोर्टुगीज, सो बंगाल के अंदर जो पोर्टुगीज़ ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वो थी हुगली, हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री जो है इस्टाब्लिश की थी, ऑप्शन सी। और ये किसने की थी, जो थे सक्सेसर ऑफ अल्बेक्यूरेकी, इस्टेब्लिश सेटलमेंट जहाँ पर उन्होंने की थी अपनी दमन एंड दीव में, बेसिन आप बोल सकते हैं सैलसेटे में, चौल बॉम्बे, सैंथोम नियर मद्रास एंड हुगली इन बेंगाल। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो 17 मई जो है 1498 को है भारत पहुँचे थे। तो ऑप्शन इसका है डी, इसका है राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है कि पहला जो ब्रिटिशरों का फोर्ट था उसका क्या नाम था। तो देखिए, जो पहला ब्रिटिशर्सों के द्वारा बनाया गया फोर्ट था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि आपका बनाया गया था सन 1644 में, कहाँ पर बनाया गया था, कोस्टल सिटी ऑफ मद्रास, जिसे मॉडर्न सिटी क्या है, चेन्नई है। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसे हिस्टोरिकली रूप से व्हाइट टाउन भी कहा जाता था, व्हाइट टाउन। ठीक है, तो ये क्या था,
फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट्रेस इन इंडिया। इसके बाद जो बना था आपका सन 1700 में, सन 1700 में बना था, उसका नाम था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। और ये कहाँ था? ये था बंगाल में, ठीक है। कि जब चोरना जोब जोब चारनोक, जोब चारनोक ने जो है सुतानाती के अंदर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और तीन गांव के अंदर 1698 में जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, जिनके नाम थे गांव के नाम सुतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर, तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो सुतानाती की फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाई कर दिया गया था 1696 में, जिसे नाम दिया गया था आपका फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम जो कि आपका बना था 1700 में, तो ये भी क्या था, एक ब्रिटिशरों का फोर्ट था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडोप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है किसने इंट्रोड्यूस करी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये किनके गवर्नर थे? पोर्टुगीज के। सो ऑप्शन आपका सी है राइट आंसर, पोर्चुगीज कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉच वॉज फॉट बिटवीन। तो वॉन्डी वॉच की जो लड़ाई थी वह किन किन के बीच हुई थी? सो वॉन्डी वॉच का जो युद्ध हुआ था आपका, वो हुआ था ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच, ठीक है। तो ये लड़ाई जो आपकी लड़ी गई थी सन 1760 के अंदर लड़ी गई थी ये युद्ध, और इसके अंदर जो है ब्रिटिशरों की जीत हुई थी, ब्रिटिश पावर की इसके अंदर जीत हुई थी। तो ऑप्शन इसका है आपका ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनीज, आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। और बैटल ऑफ वांडी वॉच को थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर बैटल ऑफ वांडी वॉच को कहा जाता है। और जो इसका रिजल्ट था इस युद्ध का, वो कैसे खत्म हुआ था, कैसे ये युद्ध खत्म हुआ था? ट्रिटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि से यह खत्म हुआ था। जो पेरिस की संधि हुई थी वो हुई थी 1763 के अंदर, ठीक है। तो इस संधि के अनुसार जो पौंडीचेरी था वो वापस कर दिया गया था किसको? फ्रेंच को, ठीक है, फ्रेंच कंपनी को। नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी तो उसका मेन मोटिव था सिर्फ व्यापार करना, ठीक है, सिर्फ व्यापार करना, ट्रेड करना। सो ऑप्शन आपका है बी इसका राइट आंसर, ट्रेड। वेयर इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। कहाँ पर जो है पोर्टुगीज ने जो अपना पहला फोर्ट्रेस बनाया था? सो जो पहला फोर्ट्रेस पोर्टुगीज ने बनाया था वो बनाया था कोचीन में, ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। विच यूरोपियन पावर डिड असिस्ट बालाजी बाजीराव अगेंस्ट द एंग्रीज? सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी इंग्लिश। बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव को और नाम से जाना जाता नाना साहेब। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मैंने अभी आपको बताया था कि किसके जो है शासन में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, बनी थी, फॉर्म्ड हुई थी, तो वो थे एलिजाबेथ 1, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर।
वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड विच रीच डेयर ऑन अगस्त 24, 1608 AD। तो पहला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप था, ठीक है, जो 24 अगस्त 1608 को भारत पहुंचा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हेक्टर शिप। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, हेक्टर शिप। और इसके जो आप जानते हैं इस शिप के जरिए कौन आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिन, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। और आप जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिन 1609 में कहाँ पहुँचे थे? फिर जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में पहुँचे थे। और वहाँ से इन्होंने परमिशन ली थी, जहांगीर ने फरमान सुनाया था कि इनको जो है फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जाती है। तो इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ पर लगाई थी? वो लगाई थी सूरत में, कब? 1613 में, 1613 में। और इसके बाद जो एम्बेसडर, ठीक है, भेजे थे जेम्स वन ने जहांगीर के कोर्ट में, उनका नाम क्या था? वो थे सर थॉमस रॉय। इनके बाद जो आए थे उनका नाम था सर थॉमस रॉय। हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? तो मैंने आपको बताया था कि वो तीन बार जो है भारत आए थे। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? अभी हमने पढ़ा है विलियम हॉकिंस के बारे में, वो कौन थे? इंग्लिश ही थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से ही बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, सूरत में, कब? 1613। सूरत के बाद फिर 1612 13, कई बुक में 12 है, कईयों में 13 है, ठीक है। मद्रास में फिर उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी 1639 में, बॉम्बे में उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी 1668, और कैलकटा में जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी 1690 में। यदि आप जो है विकिपीडिया का डाटा देखोगे तो उसमें जो डेट दी गई है वो 1612 दी गई है, और यदि आप ल्यूसेंट का डाटा देखोगे उसके अंदर जो डेट दी गई है वो 1613 दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी मेड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद टीपू? सो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो साइन हुई थी वो थी आपकी लॉर्ड मैक ऑर्ट ने, जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट वो थे, गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसे मैंगलोर की संधि भी कहा जाता है। सो इसका ऑप्शन है आपका सी है राइट आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है, ठीक है, इससे जुड़े किसके बीच में हुई थी ट्रीटी और कौन से युद्ध को लेकर हुई थी? तो आपने सुना होगा मैसूर वॉर के बारे में, कितने टोटल आपके जो वॉर हुए हैं अभी तक, टोटल 4 वॉर हुए हैं, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जो मैं आपको चारों की चार बता देता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था, आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है एंग्लो मैसूर वार से, कि पहले एंग्लो मैसूर वार में किसकी मृत्यु हुई थी, या फिर पहले एंग्लो मैसूर वार का अंत कौन सी ट्रीटी के तहत हुआ था, कौन सी संधि के तहत हुआ था, दूसरे एंग्लो मैसूर वार में किसकी मृत्यु हुई थी, या दूसरे एंग्लो मैसूर वार कौन सी ट्रीटी के तहत ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 आपके एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। जो पहला आपका एंग्लो मैसूर वार था वो फर्स्ट था, जो वो चला था 1766 से 1769 तक, 69। तो इसके अंदर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के अंदर हैदर अली जो कि पिता थे किसके, टीपू सुल्तान के, उन्होंने क्या है ब्रिटिशर्स को हराया था
और इस युद्ध का अंत मीन्स इस युद्ध का परिणाम क्या था? इस युद्ध का परिणाम निकल कर आया था ट्रीटी ऑफ मद्रास, मीन्स मद्रास की संधि। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1769 के अंदर, 1769। फिर जो आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार आपका जो उसका पीरियड है मैं आपको बता देता हूँ, वो है 1780 से 1784, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो इसके तहत जो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने जो फ्रेंच पोर्ट था जिसका नाम था फ्रेंच पोर्ट का महे, ठीक है, इस पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। और ये जो पोर्ट था किसकी टेरिटरी के अंतर्गत आता था? हैदर अली की टेरिटरी के अंतर्गत। इसके युद्ध में एक और ख़ास बात, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हैदर अली हैं उनको किसने हराया था? उनको हराया था ईयरकोट, EYRECOOT, ईयरकोट ने। कब हराया था? 1781 में, ये ध्यान रखना, 1781 में, ठीक है। कहाँ पर? पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय जो हैदर अली की जो है मृत्यु हो गई थी। फिर टीपू सुल्तान आए, इनके जो बेटे थे हैदर अली के, उन्होंने जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को जारी रखा। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका अंत कैसे हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो आपकी हुई थी सन 1784 के अंदर, ठीक है। इस ट्रीटी से जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का अंत हुआ था। फिर इसके बाद आया आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या था कि जो ब्रिटिशर थे उनका साथ दिया था अब की बार किसने? मराठा और निजाम ने। क्योंकि इसमें जो लॉर्ड आपके कॉर्नवालिस थे अंग्रेजों की तरफ से, इनकी कूटनीति काफ़ी जो है काम आई, इन्होंने काफ़ी जो है कूटनीतिक जो है षड्यंत्र रचे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो टीपू सुल्तान से जो है मराठाओं को और निजाम को दूर रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटिशरों का साथ दिया, जिसकी वजह से जो हैदर अली इस युद्ध में हार गया, इस युद्ध में हारा। और 1792 के अंदर इस युद्ध का जो रिजल्ट हुआ, 1792 के अंदर ट्रिटी साइन हुई जिसे कहा गया ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ट्रिटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, रंगपट्टनम, ठीक है। ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जब हुई थी, इस ट्रिटी के तहत आधा जो टेरिटरी थी इसके राज्य की, टीपू सुल्तान के राज्य की, वो किसको देनी पड़ी थी? ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी थी, टीपू सुल्तान को। और क्या था इसके अंदर, इस ट्रिटी के तहत, कि जो टीपू सुल्तान के दो लड़के थे उनको बंदी बनाकर किसको सौंपा गया? ब्रिटिशर्स को सौंपा गया। और इसके अलावा एक और पॉइंट था इस ट्रिटी के अंदर कि टीपू सुल्तान ने कुल 3.3 करोड़ रुपीज़ जो है इस संधि के तहत चुकाए थे अंग्रेज़ों को, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में, जो हुई थी आपकी 1792 में। तो फिर आपका इसके बाद हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। इसके अंदर जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिशर्स को किसने लीड किया था? लॉर्ड, ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले ने जो है लीड किया था। और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे कि वो ये जान गए थे कि जो किसी भी राज्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होती है इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, किसी राज्य को इकोनॉमिकली प्लस मिलिट्री तौर पर मजबूत होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत कार्य किए, बहुत सारी एम्बेसियां खोली, जैसे कि फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू। और टीपू सुल्तान ने एक और फैक्ट इनसे रिलेटेड किया कि इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी,
ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने कहाँ लगाया था, इनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था श्रीरंगपट्टनम। और ये इन्होंने एक क्लब भी ज्वाइन किया था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब के ये मेंबर थे। नेक्स्ट है आपका हु ग्रांटेड द परमिशन टू इस्टेब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री ऑफ हुगली इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर हुगली नदी के किनारे फर्स्ट फैक्ट्री लगाने का जो है परमिशन किसने दी थी, तो ये परमिशन दी थी शाह शुजा ने। ऑप्शन आपका ए है इसका राइट आंसर। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, सो मुर्शिद कुली खान है इसका राइट आंसर। मुर्शिद कुली खान ने जो है अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे उसने सेना इकट्ठी की, जो इसकी कैपिटल थी मकसूदाबाद। मकसूदाबाद इसका नाम बदलकर इसने रख दिया था मुर्शिदाबाद, किसने, मुर्शिद कुली खान ने। तो इसकी कैपिटल के नाम को जो है मुगल साम्राज्य की तरफ से जो है परमिशन मिल गई थी, तो जो मुर्शिद कुली खान थे वो फिर इंडिपेंडेंट नवाब बन गए थे किसके, बंगाल के, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर, ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन आए थे, तो पहले जो आए थे आपके वो थे पोर्तुगीज पुर्तगाली, इनके बाद जो आए थे सेकेंड नंबर पर वो थे डच, इनके बाद जो आए थे वो थे इंग्लिश ब्रिटिशर, इनके बाद जो आए थे वो थे फ्रेंच, तो सबसे एंड में कौन आए थे, फ्रेंच। ऑप्शन आपका ए है राइट आंसर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी, कॉलबर्ट ने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी कॉलबर्ट ने 1664 में। और जो फैक्ट्री सबसे पहली लगाई थी इन्होंने वो लगाई थी 1669 में, फ्रेंच ने जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी 1669 के अंदर कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम ये इंपॉर्टेंट है, मसूलीपट्टनम। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कैश्यूनट पाइनएप्पल एंड टोबैको इन इंडिया, तो इन फसलों को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, सो पाइनएप्पल हो गया, टोबैको हो गया, कैश्यूनट हो गया, इन सभी को जो इंट्रोड्यूस किया था, एक आपका गुड क्वालिटी सीड हो गए नारियल के, ठीक है, गुड क्वालिटी सीड हो गए नारियल के, ये सभी किसने इंट्रोड्यूस किए थे, पोर्टुगीज ने। ऑप्शन आपका डी है इसका राइट आंसर, पुर्तगाली। द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया वॉज, तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्बेक्यूरेकी थे, ठीक है, जिनका पूरा नाम था अल्फोंसो डी, अल्फोंसो डी अल्बेक्यूरेकी, इन्हें माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इंडिया के अंदर। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी वो की थी द पॉलिसी ऑफ, ध्यान रखना, द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखना। और गोवा को किसने कैप्चर किया था 1510 में, गोवा को कैप्चर किया था 1510 में पोर्टुगीज गवर्नर जिनका नाम था अल्बेक्यूरेकी। हु वाज सर जॉर्ज ऑक्सेडन, तो जब इंग्लिश ब्रिटिशरों ने जो है बॉम्बे के अंदर
ठीक है, बॉम्बे के अंदर जब अपना जो है फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, तो वहाँ पर उन्होंने जो कह लीजिए कि जो गवर्नर नियुक्त किया था उन्होंने, उसका नाम था सर जॉर्ज ऑक्सेडन। ठीक है, बॉम्बे उन्होंने लिया था चार्ल्स टू से, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने चार्ल्स टू से जो है लीज पर लिया था बॉम्बे को, और वहाँ पर जो पहला उनके उनकी तरफ से जो बॉम्बे का गवर्नर था वो था सर जॉर्ज ऑक्सेडन। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। सन मार्च 1667, सर जॉर्ज ऑक्सेडन वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इन मार्च 1667 चार्ल्स टू ने जो है लीज पर दिया था बॉम्बे को, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वहाँ पर उन्होंने ऑक्सेडन को लगाया था एज ए गवर्नर। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब। सो सर जॉन चाइल्ड एक्सपेल्ड किए गए थे किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। जब औरंगजेब और मराठास के बीच में जो है युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उस समय औरंगजेब को लगा कि जो सर जॉन चाइल्ड हैं वो उनके खिलाफ़ क्या है मराठाओं का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने जो है सर जॉन चाइल्ड को एक्सपेल कर दिया था। विच वन ऑफ फॉलोइंग मुगल एम्परर गेव एन इम्पॉर्टेंट फरमान टू इंग्लिश ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर ट्रेड्स इन इंडिया। तो कौन से जो है मुगल एम्परर ने ये फरमान दिया था? तो वो थे फरूखी शियार। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। ऐसा कहा जाता है कि फरूखी शियार को कोई बीमारी हो गई थी, ठीक है, जिसे एक ब्रिटिशर सर्जन ने इसको ठीक कर दिया था उस बीमारी को, तो उनसे खुश होकर इन्होंने जो है परमिशन दे दी थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है, व्यापार करने की, और जो राशि आप सोच सकते हो रखी थी पूरे साल की, एक साल में जो उनको कर देना पड़ता था वो था 3,000 रुपये एक साल का ब्रिटिशर्स को। तो 1717 के अंदर इन्होंने यह फरमान सुनाया था, और जो सर्जन थे उनका नाम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन द पेशवा हु इंजीनियर्ड द कैप्चर ऑफ सेलसेटे एंड बेसिन फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1739। तो उस पेशवा का नाम था बाजीराव वन। बाजीराव वन जिन्होंने शासन किया था 1720 से लेके 1740 तक, 20 की उम्र में ही ये जो है पेशवा बन गए थे, और आपने फिल्म भी देखी होगी बाजीराव, ठीक है, तो लगभग इनके जो सारे फैक्ट हैं वो इससे मेल खाते हैं। सो बाजीराव को दोहरा ट्रीटी ऑफ दोहरा सराय के रूप में भी जाना जाता है, संधि ऑफ आप बोल सकते हो, ट्रीटी ऑफ दोहरा दो रहा सराय के लिए भी जाना जाता है। इस ट्रीटी के तहत इन्होंने जो मालवा और बुंदेलखंड को अपने राज्य में शामिल किया था 1738 में, ये जो है ट्रीटी हुई थी, और इन्हें गोरिल्ला टैक्टिक के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। देखिए, जो अंग्रेज़ थे उनकी कूटनीति थी जो काफ़ी आप कह सकते हो बिल्कुल अच्छी थी, जिस कूटनीति के आधार पर उन्होंने जो पूरे इंडिया के अंदर 200 साल तक राज किया था, तो सब्सिडरी अलायंस भी उनमें से एक थी। सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई जो भी पावर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करती है उसका क्या होगा कि जो उसकी प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी होगी, आप कह लीजिए जो उसकी आर्मी होगी, ठीक है, वो
कौन प्रोवाइड करवाएंगे? इंग्लिश ब्रिटिशर्स उसको प्रोवाइड करवाएंगे सिक्योरिटी उस रियासत को, उस राज्य को, ठीक है। तो उसकी सारी की सारी जो आर्मी होगी वो ब्रिटिशर्स की क्या होगी? अधीन होगी। तो ब्रिटिशर्स ये भी कहते थे कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका आपको हर साल जो है हमें आप कह लीजिए मेंटेनेंस कॉस्ट, आप कह लीजिए इसको, कि हमें पे करना होगा। सब्सिडियरी अलायंस में ये बातें होती थी। तो इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट होते थे सब्सिडियरी अलायंस के, कि यदि कोई भी राज्य सब्सिडियरी अलायंस अपनाता है तो उसकी आर्मी तो चली ही गई, अब दूसरी बात वह किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संधि नहीं कर सकता, प्लस वह किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के, ठीक है। तो मतलब कि जो सारे आर्मी से रिलेटेड जो कार्य थे उसके, वो सारे के सारे किस पे चले गए थे? ब्रिटिशर्सों के पास। और इसके वो क्या लेते थे? हर साल पैसा भी लेते थे। तो सबसे पहले जो सब्सिडियरी अलायंस अपनाया था वो किसने अपनाया था? वो थे निजाम, थे हैदराबाद के। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। और सब्सिडियरी अलायंस शुरू किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्सिडियरी अलायंस को शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने। ऑप्शन डी है, सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ले आपका है राइट आंसर। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वॉज फ्रेम्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले, ये ध्यान रखना आप। द बुक जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस इन 1733 रिटन बाय जिज, जो कि आपका मुस्लिम कह लीजिए एक बुक होती है जिसके अंदर जो सारी की सारी नॉलेज होती है आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पोजीशन ऑफ सन मून जितने भी आपके प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन की। तो जो जिज मोहम्मद शाही थी वो किसने लिखी थी? रिटन बाय स्वाय जय सिंह ऑफ जयपुर, जिन्हें आप जयपुर के जंतर मंतर जिन्होंने आप बनवाया था, ये वही जय सिंह है, जंतर मंतर जिन्होंने बनवाया था। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। द साउथ इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस सीरीकल्चर एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम, तो जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान ने जो है सीरीकल्चर की शुरुआत की थी अपने राज्य के अंदर। वह बंगाल से जो है मलबरी लेकर आए थे और अपने राज्य में उन्होंने लगाई थी, और इसके बाद जो है सिल्क वॉर्म थे अच्छी क्वालिटी के वो लेकर आए थे वो चाइना से। सो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है ए राइट आंसर, टीपू सुल्तान। वट वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन निजाम अली द रूलर ऑफ हैदराबाद एंड इंग्लिश? सो द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड इंग्लिश वॉज द सरकार ऑफ गुंटूर। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द स्टेटमेंट वी हैव क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल इज एसोसिएटेड विद, सो ये आपका है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। सो उसमें जो ब्रिटिशर की तरफ से कौन थे? कॉर्नवॉलिस, CORNWALLI, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड फ्री ऑफ टैक्स इन द टेरिटरीज ऑफ बंगाल, हैदराबाद एंड गुजरात टू द ब्रिटिशर्स? सो ये जो दी थी फरूकी सियार। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ये मैं आपको पहले भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। द विटले कमीशन वॉज कंसर्न विद, सो जो विटले कमीशन था वो कंसर्न था आपका लेबर रिफॉर्म से। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। सो विटले कमीशन जो था वो
लेबर से रिलेटेड था आपका, और ये एक आयरिश स्कॉलर थे जिनका नाम था विटले स्टॉक्स, और इंडिया इन्होंने इंडिया में लगभग जो है 20 साल तक जो है काम किया है। नेक्स्ट है आपका, हुम डिड सर चार्ल्स नेपियर रिप्लेस एज ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ सिंध। सो चार्ल्स नेपियर ने जिन्हें रिप्लेस किया था वो हैं जेम्स आउट्रम। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। वेन वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट अंडर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो कौन से एक्ट के तहत कह सकते हो कि आप जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ठीक है उसको पार्लियामेंट के अंदर जो है पावर के अंदर लाया गया था। सो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंदर लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल के अंदर इसको लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी एक कैलकटा में, कैलकटा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी आपकी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कैलकटा के अंदर। और दूसरा आपका जो वॉरेन हेस्टिंग थे जो पहले किया थे गवर्नर जनरल ऑफ सिर्फ बंगाल थे, तो इसी एक्ट के तहत उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ थ्री प्रेसिडेंसी ठीक है। मींस जो कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, कैलकटा बॉम्बे एंड मद्रास, मींस अब वह बंगाल के साथ साथ कैलकटा बॉम्बे मद्रास के भी क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। सो ये था इस एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो पेट्स इंडिया एक्ट था जो 1784 में, तो इसने जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, 6 मेंबर थे उसके अंदर जिनको जो है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। विच वन ऑफ फॉलोइंग जर्नल्स हैड कंडक्टेड अ बिटर कैंपेन अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, तो निम्नलिखित में से आप कहिए कि कौन सा पत्र है ठीक है, समाचार पत्र है जिन्होंने जो सती प्रथा थी ठीक है उसको ख़त्म करने के खिलाफ जो है आप कह सकते हो प्रचार किया था, तो वो था आपका समाचार चंद्रिका, सॉरी समाचार चंद्रिका। ऑप्शन इसका डी है राइट आंसर। समाचार चंद्रिका जिसने कैंपेन की शुरुआत की थी ठीक है सती प्रथा को ख़त्म करने के खिलाफ ठीक है कलकत्ता में, तो जो इसके एडिटर थे वो कौन थे, भवानी चरण बैनर्जी, भवानी चरण बैनर्जी। द एमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया इज फ्रॉम द बैटल ऑफ बक्सर, हु मेड दिस स्टेटमेंट, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध जो आपका हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, किस किस के बीच हुआ था, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को किसने लीड किया था, हेक्टर मुनरो, और किसके बीच हुआ था, मीर कासिम जो थे नवाब ऑफ बंगाल थे, और शाह आलम उस समय जो मुगल किंग थे, और सुजाउदौला, सुआजुद्दौला, इनके बीच में जो है बैटल ऑफ बक्सर आपकी हुई थी 1764 में। सो इस स्टेटमेंट को कहा है सर स्टीफन ने, ऑप्शन इसका ए है आपका राइट आंसर। इन 1757 सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिश फैक्ट्री एक्ट, 1757 में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री अटैक की थी, उसका नाम क्या था, तो वो था आपका कासिम बाजार। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स वॉज अ मिल्क काउ फॉर द ब्रिटिश,
सो अवध है आपका राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वॉज फर्स्ट टू कम इंडिया टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद देयर कंट्री? तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि पोर्तुगीज पुर्तगाली थे, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। इन विच ईयर डिड द नवाब ऑफ अवध वर्चुअली बिकम द इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल रूल? सो इसका आंसर है आपका 1753, 1753 में नवाब ऑफ अवध बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रूल ऑफ मुगल, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवॉलिस गेव द ओनरशिप ऑफ लैंड टू? तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि इंट्रोड्यूस की थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लैंड था जिस पर खेती होती थी उसके जो स्वामी बना दिए गए थे वो कौन थे? सारे के सारे जमींदार थे, क्योंकि इससे पहले जो है इस सिस्टम को शुरू करने से पहले जो कर वसूलते थे अंग्रेज, आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स, वो प्रणाली वो काफ़ी आप कह लीजिए बुरी थी, ठीक है, क्योंकि उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर लगाना, अपॉइंट करना होता था, ठीक है। तो अंग्रेज चाहते थे कि कोई एक ऐसा सिस्टम बने जिसकी वजह से क्या हो कि सारा का सारा जो है टैक्स हर एक जहाँ पे उनका राज्य है बंगाल के अंदर, कि उनके पास आए, ठीक है, समय पर आए और उन्हें जो है इतनी दिक्कतों का सामना उठाना ना पड़े। तो इसीलिए उन्होंने जो है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस जिन्होंने परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस की थी, तो इन्होंने जो क्या किया था, जो सारे के सारे जमींदार थे उनको स्वामी बना दिया था भूमि का, कि आप हैं जो सारी जो भूमि है आपके अंतर्गत आप उसके स्वामी हैं, बशायदे बेशर्ते आपको क्या करना होगा, जो समय हमने दिया है उस पर और जितना हमने कर लगाया है उतना समय पर इतना कर आपको हमें देना होगा। सो इसका ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर, जमींदार। तो ये जो सेटलमेंट थी ये आपकी 1793 में जो है शुरू हुई थी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास शकुंतला वॉज पब्लिश्ड इन 1781, हु ट्रांसलेटेड इट? सो पहली बार जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम इसे बोलते हैं, शकुंतला इसे बोला जाता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सबसे पहली बार, उनका नाम था विलियम जॉन, सर विलियम जॉन, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके अलावा जो है 45 बार जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम अलग अलग देशों में ट्रांसलेट हो चुकी है, लेकिन जो सबसे पहली बार हुई थी वो की थी सर विलियम जॉन ने। कब? 1789 के अंदर, 789, 1789। फ्रॉम विच ईयर डिड द ब्रिटिश स्टार्ट स्ट्राइकिंग इंडियन कॉइन्स विद अ पोर्ट्रेट ऑफ ब्रिटिश किंग? तो कब ब्रिटिशरों ने सिक्के बनाना शुरू किए जिन पर जो है ब्रिटिश किंग की फोटो हुआ करती थी, आप बोल सकते हो ऐसा? तो वो हुआ था 1835, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। विच बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश वॉज नोन एज वाइट टाउन? मैं आपको पहले भी बताया था कि फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो आपका, ठीक है, उसे वाइट टाउन भी बोला जाता था। तो ऑप्शन इसका होगा आपका सी राइट आंसर। द ब्रिटिश रेजिडेंट इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इन टू ब्रिटिश डोमिनियन वाज? जब अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था उस समय जो रेजिडेंट था अवध में रह रहा था, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन रह रहा था उस समय? उनका नाम था जेम्स आउट्रम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रिनोव्ड प्रेजिडेंसी कॉलेज? सो प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो फाउंडर माने जाते हैं वो हैं आपके राजा राम मोहन राय।
ठीक है, तो इन्होंने ये कॉलेज स्थापित किया था। सबसे पहले जो इसका फॉर्मर नेम था वो था महा पाठशाला विंग ऑफ हिंदू कॉलेज, बाद में जिसे 1855 के अंदर नाम दिया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो जो राजा राम मोहन राय, इन्हें फादर ऑफ बंगाल रेनाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जो है काफ़ी सारे रिफॉर्म्स के लिए भी जो है जाना जाता है राजा राम मोहन राय को, जैसे कि सती प्रथा के अंत के लिए, ठीक है, कॉस्ट रिजिडिटी, पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज। फर्स्ट ऑल हिंदी न्यूज़पेपर उदंता मर्टांडा वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकटा इन ईयर 1826। हु वॉज इट्स एडिटर? सो जो पहला ऑल हिंदी न्यूज़पेपर जिसका नाम था उदंता मर्टांडा, उसके एडिटर कौन थे? सो इसके एडिटर थे आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ला, पंडित जुगल किशोर शुक्ला एडिटर थे इसके। और ये आपका पब्लिश हुआ था कहाँ से? कानपुर से। हर मंगलवार को जो है इस न्यूज़पेपर को छापा जाता था। सबसे पहले इसकी जो छपी थी 500 प्रतियां छपी थी इस न्यूज़पेपर की। इसमें जो है देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था पहली बार, और बोली आपकी खड़ी बोली तथा ब्रिज भाषा का इसके अंदर यूज़ किया गया था, और इसे पब्लिश किया गया था 1826, 20 मई 1826 में। हु इन्फ्लुएंस्ड महादेव गोविंद रानाडे टू एस्टैब्लिश प्रार्थना समाज इन बॉम्बे? तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है व्यूमन वेलफेयर की एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, तो इनको इन्फ्लुएंस किया था केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। विडो रीमैरिज, विडो मैरिज एसोसिएशन के फाउंडिंग के लिए भी इन्हें जो है महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। और सार्वजनिक सभा पुणे में, ठीक है, सार्वजनिक सभा के फाउंडर के तौर पर भी जो है महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। धर्म सभा वाज फाउंडेड इन कैलकटा इन अपोजिशन टू द ब्रह्म समाज ऑफ राजा राम मोहन राय हु वॉज द फाउंडर हु वॉज इट्स फाउंडर। सो ब्रह्म समाज की जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन राय, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो ग्रेट रिफॉर्मर के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है सती प्रथा के अंत के लिए, जैसा अभी हमने पीछे बात की थी, तो इनके ही अपोजिट, ठीक है, एक धर्म सभा जिसके फाउंडर तो जो थे आपके राधा कांत देव। धर्मसभा फाउंडेड जो कि आपकी कलकत्ता में फाउंडेड हुई थी, बनाई गई थी 1830 के अंदर ब्रह्म समाज की अपोजिशन के लिए, और इसे किसने बनाया था? राधा कांत देव। ये कहते थे कि भाई आप किसी भी तरह के रिफॉर्म कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप ये रिलीजियस मैटर में जो है आप रिफॉर्म कर रहे हो ये हमें स्वीकार नहीं है। ये धर्मसभा के पॉइंट ऑफ व्यू थे, ठीक है, आप एक रूढ़िवादी आप इसको बोल सकते हो, जो है सभा थी इसके लोग थे, कि जो आप ये सोशो रिलीजियस मैटर में जो रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये मान्य नहीं है, इसे हम नहीं मानेंगे। बाकी आप कोई भी रिफॉर्म कीजिए, आप जो है आप इंग्लिश पढ़ाइए, आप जो है लड़कियों को शिक्षा दीजिए, हमें वो सब मंजूर है, लेकिन यदि आप जो है धर्म से रिलेटेड कोई रिफॉर्म करते हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गई, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो गई, यदि आप इसमें कोई रिफॉर्म करते हैं ये हमें मंजूर नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू थे किसके? धर्मसभा के, राधाकांत देव के। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द दियोबंद मूवमेंट? तो दियोबंद मूवमेंट जो है उसका मेन मुद्दा था इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ, मींस उसका विरोध करना। इंग्लिश एजुकेशन का ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। तो ये जो आपकी हुई थी सहारनपुर में दियोबंद मूवमेंट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 1866 में, इस किसने की थी? मोहम्मद कासिम नैनोतवी तथा राशिद अहमद गंगोही। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी? तो उस समय जो नवाब थे वो थे निजामुद्दौला। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर।
इडन गार्डन ऑफ कैलकटा वॉज बिल्ट इन 1840। इट वॉज नेम्ड इडन आफ्टर द नेम ऑफ अ सिस्टर ऑफ अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जो इडन गार्डन का निर्माण था वो 1840 में करवाया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी। सो लॉर्ड ऑकलैंड ने इडन गार्डन का निर्माण करवाया था। जो पहला नाम था इडन गार्डन का वो था ऑकलैंड सर्कस गार्डन। लेकिन बाद में इन्होंने बाइबल में, आपने सुना होगा, ग्रेट गार्डन ऑफ इडन से इंस्पायर होकर इन्होंने जो इसका नाम है अपनी सिस्टर के नाम इडन गार्डन रख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। जो है इसको बनाया, डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था लॉर्ड ऑकलैंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेजिडेंट कौन थे? सो फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेजिडेंट थे वो थे सर चार्ल्स कियर। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। ये मैंने आपको बता दिया कि जो फोर्ट विलियम था वो आपका बना था कैलकाटा के अंदर, ठीक है, 1700 में। और ये वही ब्लैक फोर्ट है जिसमें जो आपकी ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना मतलब कि जो है एक कमरे के अंदर कुल मिलाकर 146 लोगों को जो है बंद कर दिया गया था एक रात के लिए, ठीक है। तो एक ही रात में जो है लगभग टोटल सिर्फ 23 लोग बचे थे अगली सुबह, बाकी सभी की जो है दम घुटने से और गर्मी के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी विच वॉज टू स्टडी द डेवलपमेंट इन एजुकेशन आफ्टर 1854 ईडी। तो मीन्स डेवलपमेंट जो कि वुड डिस्पैच नीति के तहत जो हुई थी 1854 के बाद, उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया था आपका डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। चेयरमैन थे हंटर कमीशन के। और हंटर कमीशन को किसने अपॉइंट किया था? वायस राय लॉर्ड रिपन ने, ये ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने। द फर्स्ट वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड ऑन 31 मई 1818 बाई कैरे एंड मॉर्समैन फ्रॉम सेरेमपोर। इट वॉज इन बंगाली लैंग्वेज, वट वॉज इट्स नेम? सो इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका समाचार दर्पण। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण था जो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, पब्लिश किया गया था आपका 31 मई 1818 को। आप इसे फर्स्ट वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर आप कह सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ ड्रामा नील दर्पण। नील दर्पणा जो कि आपका इंडिगो रिवोल्ट को दर्शाता है, नील दर्पणा के जो लेखक हैं उनका नाम है दीन बंधु मित्रा। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। हु वॉज द गवर्नर जनरल हु चेंज्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश? सो लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने जो है कोर्ट लैंग्वेज चेंज की थी फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पर की थी? थॉमस बेबिंगटन मैकावले, थॉमस बेबिंगटन मैकावले की रिकमेंडेशन पर। सो 1835 में की थी कि इंग्लिश रिप्लेस्ड पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ग्रिगोरियन कैलेंडर इन देयर डोमिनियन इन इंडिया? सो ब्रिटिशरों ने ब्रिटेन के अंदर भी और प्लस जो इसके सारी कॉलोनीज थी उसके अंदर जो ग्रिगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था वो किया था सन 1752 में।
हु वॉज द स्कॉलर हु डेसिफर्ड द एंशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने आपको जो कंप्लीट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो लेक्चर है उसमें सारे के सारे एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जब मैंने उसमें आपको बताया था कि जेम्स प्रिंसेप और मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो हमने मौर्यन साम्राज्य के पूरे कंप्लीट एमसीक्यू के बारे में जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें भी। तो जो चैनल के आप विजिट कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर जो है आप जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें भी सारे के सारे एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। व्हाट वाज द रियल नंबर ऑफ प्रिजनर्स हु डाइड इन ब्लैक होल ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिपोर्ट्स। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि टोटल 146 मेंबर को जो है उसके अंदर बंद कर दिया गया था एक कमरे के अंदर, ठीक है। और सुबह जब दरवाज़ा खोला गया था तो आपके सिर्फ 23 व्यक्ति थे जो बचे हुए थे, बाकी जो है आपके टोटल 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी दम घुटने की वजह से। सो इसका आंसर पर संशय है भाई, 146 होंगे, ठीक है, 146 ही टोटल जो है बंद किए थे, उसमें से जो सुबह जो बचे थे, एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है नेट पर, 23 जो है आपके सर्वाइवर थे इस घटना के, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 123, लेकिन जहाँ से ये क्वेश्चन है वहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 146, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को, एक बार रिसर्च करके, इस पे संशय है 123 या फिर 146। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी उठाई है कि टोटल जो थे आपके 123 जो है मरे थे 146 में से, ठीक है। और ये सारी घटना बयान की थी किसने, जो एक सर्वाइवर थे जिनका नाम था जॉन जेफेनियन हॉलवेल। और ब्लैक होल की घटना कहा जाता है इसे, ठीक है, जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, वो इंग्लिश ब्रिटिशर थे, उनको बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि जो आप ये पॉलिटिकल अफेयर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर जो आप करते हो, पॉलिटिकल जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो उनको बंद कीजिए, और जो आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है, आप जितना भी माल बना रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर उसका जो है रेवेन्यू आप पे कीजिए, ठीक है। तो ऐसा जो है ब्रिटिशरों ने करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने जो है फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया था, और वहाँ के जो है सारे के सारे जितने वहाँ पे कारीगर थे, चाहे वो इंग्लिश था चाहे वो इंडियन था, सबको इकट्ठा कर कर एक रूम में जो है बंद कर दिया गया था। तो टोटल 146 लोग थे जिनको इसने बंद किया था। हु सैड वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। तो ये मैंने बताया था आपको, थर्ड एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड है। किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। टू ओवर थ्रो द ब्रिटिश रूल कुका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन। तो कुका मूवमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइज थी वही थी पंजाब के अंदर। इसकी जो डेट दे रखी है काफ़ी बुकों में कुका मूवमेंट की, वो दे रखी है 1840 में हुई थी कुका मूवमेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और आपका लेक्चर तैयार हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि प्लीज़ क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर जो है आपको इम्प्रूव करना चाहिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर जो आप कह रहे हो कि गलत है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और हमारे फेसबुक पेज जिसका एड्रेस है facebook@SMET2016, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो अपडेट है वो आपको फेसबुक के जरिए भी मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।